हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कनेर के प्लांट्स की एयर लेयरिंग कर रही हूँ। एयर लेयरिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो हमें जिस प्लांट से हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं उस प्लांट्स को चाहिए। मैं कर रही हूँ ये कनेर के प्लांट्स, ये है कनेर के प्लांट्स, इससे मैं एयर लेयरिंग कर रही हूँ। और क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ब्लेड, रस्सी, पॉलीथीन और चाहिए इस तरह की बोतल। ये जो बोतल है इसको आपको आधी काट लेनी है इस तरह से, और ये है आधी पोर्शन, ठीक है। इसे हमें इस तरह से रखनी है। और दूसरी हो गई आपकी सॉइल। ये जो सॉइल है, ये सॉइल में आपकी थोड़ी सी सॉइल होगी गार्डन सॉइल, और आपकी कोकोपीट मिक्स है, और है आपके कंपोस्ट। या तो आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या तो फिर आप काऊ डंग भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कनेर की जो प्लांट्स है इसे हमें क्या करनी है, पूरी इसकी जो लीव्स है हमें निकाल लेनी है। मैंने इस तरह से सारे लीव्स को निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये सारे जो लीव्स है ये सारे निकाल लेनी है, और बाकी इसकी हमें थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेनी है इस तरह से, बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग करके इसे रखनी है। अब हमें क्या करनी है, आपको जितना इसकी लेंथ चाहिए, जितनी बोतल की लेंथ है उसी हिसाब से आपको इसकी कटिंग करनी है। जैसे ये बोतल की लेंथ ठीक है तो अब हमें ये सही है, अब हमें इसकी एयर लेयरिंग करनी है। एयर लेयरिंग करने के लिए हमें ये देखना है कि इसकी जो नॉट्स है, ये इसकी नॉट्स है, एक दो तीन इस तरह की ये नॉट्स है। ये नॉट्स हमें, जैसे ये नॉट्स है, हम यहाँ से इसकी थोड़ी ऊपर से और इसकी थोड़ी नीचे से, हमें इसकी थोड़ी सी जो ऊपर की जो इसकी छाल जो होती है उसे हमें निकाल लेनी है। ये देखिए, इस तरह से इसकी जो है ऊपर की जो छिलके होते हैं उसे हमें उतार लेनी है, और ये बीच में इसकी नॉट्स है, इसी नॉट से इसकी जड़ निकलेगी। तो हमें अब क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसे हमें ऐसे बोतल में डाल देनी है। डालने के बाद हमें इसमें मिट्टी भर देनी है जो हमारी सॉइल है। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक टिश्यू लेंगे। टिश्यू के सहायता से हम इसकी जो इसमें जो होल है इस होल को हम बंद कर देंगे, ताकि इसमें से मिट्टी जो है वो नीचे ना जाए। तो इसे हमें बंद करनी है टिश्यू के सहायता से, या आप कपड़े की सहायता से भी कर सकते हो। इसकी होल को बंद करनी है। बंद करने के बाद हम इसे मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल टाइट कर देनी है, जैसे कि उसकी मिट्टी नीचे ना गिरे। तो अब हमें इसमें मिट्टी जो सॉइल है, जिसमें हमने गार्डन सॉइल, कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके फिर हमें इसमें डालनी है। जो पोर्शन हमने छिलके वाले निकाले थे, इसकी जो टहनी में जो छिलके निकाले थे, उसी पोर्शन को हमें मिट्टी से पूरी भर देनी है। ये है सॉइल, ये देखिए, ये है सॉइल, इसमें सारे मिक्स है, इसे हमें डालनी है, अच्छी तरह से भर देनी है। कोकोपीट देने से क्या होती है, जड़ जल्दी निकल जाती है और इससे पौधे को आसानी होती है, जड़ तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसमें कोकोपीट डालते हैं। कोकोपीट डालने से पौधा बहुत बढ़िया तैयार होती है। इस तरह से बिल्कुल टाइट कर देनी है। टाइट करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी पानी डाल देंगे, और जो नीचे की जो पोर्शन है बोतल की उसमें भी हम पानी डाल देंगे। बिल्कुल हो गई टाइट इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपको टाइट करनी है मिट्टी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हमें इसमें अच्छी तरह से पानी डालनी है।
अब ये पानी नीचे की ओर चली जाएगी, जितना इसे चाहिए उतना वो ले लेंगे और बाकी पानी इस बोतल में आ जाएंगे। ये देखिए पानी सोख लिए हैं, इसने जितना पानी इसे चाहिए था उतना पानी ये सोख लिया है। इसके बाद ये नीचे थोड़ा सा पानी गया है और हमें क्या करना है, इस बोतल में जितनी टहनी इसकी है आधी टहनी तक हमें पानी डाल के रखनी है, और कम से कम रोज़ ना हो तो दो दिन बाद आप इस पानी को चेंज करोगे, तो दो दिन बाद इस पानी को हमें चेंज कर लेनी है। जैसे मैंने इसमें पानी डाल के रखा हुआ है, इसी तरह से आप लोग भी इस तरह से पानी डालोगे तो ये जो प्लांट्स है इसमें से इसे पानी मिलेंगे। और हमें अभी क्या करना है, ये जो एक पॉलीथीन है इस पॉलीथीन से इसे हमें अच्छी तरह से ढक के रखनी है। इस तरह से पॉलीथीन से आप ऐसे इसे ऐसे ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से, फिर आप नीचे से अच्छी तरह से इसे रस्सी से बांध देंगे इस तरह से। फिर आप क्या करोगे, इसे बिल्कुल छायेदार जगह पे रखनी है, बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखनी है, इसे धूप बिल्कुल नहीं देनी है जब तक ना इसमें जड़ निकल रही है। जड़ निकलने के बाद आप इसे हल्की धूप दे सकते हैं, लेकिन इसे कुछ दिन तक जब तक जड़ ना निकले तब तक आप इसे बिल्कुल छाये वाली जगह पे शेडी एरिया में इसे रखनी है। इस तरह से इसे बांध देनी है बिल्कुल टाइट करके, और इसमें कोई पानी नहीं देनी है, सिर्फ ये जो बोतल की जो पानी है इसे सिर्फ चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करनी है। जड़ निकलने की वेट करनी है, जड़ जब तक ना निकले तब तक आप इसे थोड़ी सी ठंडी वाली जगह पे रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।